आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। हियर यू मे सी कि मैंने एक ट्राई डॉट सीपीपी एक नाम रखा हुआ है मैंने अपनी फाइल का, ठीक है। ये मेरा सारा सोर्स कोड है, इसमें पहली लाइन वही है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, और मैंने हेडर फाइल जो है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल इंक्लूड कराई हुई है। इसके बाद मैंने कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल भी इंक्लूड करवाई है, दैट इज कोनियो डॉट एच मेन फंक्शन। आगे क्लियर स्क्रीन प्रिंट एफ की एक सिंपल हेलो फ्रेंड्स का एक प्रोग्राम है वो जस्ट बनाया हुआ है, ठीक है। एंड गेट सी एच, गेट सी एच एक फंक्शन है जो कि आप कंप्यूटर के कीबोर्ड से अगर कोई भी करेक्टर को इनपुट देंगे हिट करेंगे तो ही आपकी जो आउटपुट है वो स्क्रीन से गायब होगी, अदरवाइज वो आपको नजर आती रहेगी। जब तक ये आपसे एक करेक्टर नहीं ले लेगा ये आपकी जो आउटपुट है आपको शो करता रहेगा। तो ये अपनी आसानी के लिए लगाया है। फर्दर हम देखते हैं कि इसकी आउटपुट कैसे आएगी। सबसे पहले तो हमने इसको कंपाइल करना है, तो आप इसको Alt F9 से कर सकते हैं। तो इधर आप देखें, थोड़ा सा गौर करें, अगर वैसे तो ये इधर कंपाइल की ऑप्शन भी आपको नजर आ रही है तो इधर से भी कर सकेंगे, लेकिन अगर आपने Alt F9 दबाया तो तब भी आपका कंपाइल आ जाएगा, हो जाएगा सोर्स कोड। और ये देख लें एरर अभी तक 00 है, कोई मसला मसाइल नहीं है कोड में, ओके फाइन। अब हम चाहे तो हम रन पर क्लिक करके तो इसको प्रोग्राम के आउटपुट भी देख सकते हैं, या अगर हम इसकी शॉर्टकट की को यूज करें तो हमने इसको किस तरीके से करना है, कंट्रोल F9। तो देखें स्टूडेंट्स, ये आपको हेलो फ्रेंड्स लिखा हुआ स्क्रीन पर यहां पर नजर आ रहा है, ठीक है। तो हेलो फ्रेंड्स लिखा हुआ नजर आ रहा है। अभी फर्दर हम देखेंगे कि क्लियर स्क्रीन के फंक्शन ने यहाँ पे ऐसा क्या कमाल कर दिया, हमने क्यों यूज किया इसको। एंटर दोबारा दबाएंगे तो हम मेन स्क्रीन पे वापस आ जाएंगे, ठीक है। हमने इधर से अब कोशिश करनी है कि ये क्लियर स्क्रीन का जो फंक्शन है हम इसको अभी फिलहाल रिमूव करेंगे, ठीक है। आप इस तरीके से इसको रिमूव कर दें, ये मैंने रिमूव कर दिया है, ठीक है। अब मैं इसको फिर रन करने लगी हूं कंट्रोल F9 से। ये देख लें पुरानी आउटपुट भी वही है और नई वाली भी आ गई है, ठीक है। तो ये देख लें कि पुरानी इसने स्क्रीन को क्लियर नहीं किया, जो पुरानी आउटपुट थी वो एज इट इज नजर आ रही है और आपको नई भी आउटपुट नजर आ रही है। फिर एंटर करेंगे, फिर मेन स्क्रीन पे जाएंगे, फिर कंट्रोल F9 लेट सपोज हम करते हैं, तो देख लें तीसरी बार भी आपको वो पीछे वाली तो आउटपुट्स भी नजर आ रही है और ये भी नजर आ रही है। हालांकि आपने प्रिंटिंग तो सिर्फ एक बार किया ना यहाँ पे, लेकिन उसने पीछे वाली जो भी आउटपुट्स थी उनको क्लियर नहीं किया और उसने आगे आपको प्रिंटिंग करवा दी। तो ये इस तरीके से आया। तो क्लियर स्क्रीन का फंक्शन जो है आपकी पुरानी जो कंप्यूटर की स्क्रीन है उसको क्लियर करके आपकी नई आउटपुट को प्रिंट करवाता है। अब हम देखते हैं कि अगर हम इस लाइन के एंड पे सेमी कॉलन को रिमूव करते हैं और इसको कंपाइल करते हैं Alt F9 के साथ तो क्या होगा। ये देख लें एरर आ रहा है कि जी एक एरर है, एंटर की प्रेस करेंगे तो उन्होंने कहा स्टेटमेंट मिसिंग है, ठीक है। तो आप जो लाइन हाईलाइटेड होगी उसके ऊपर और नीचे वाली लाइन को जरा चेक कर लें कहीं एरर ना हो, या हाईलाइटेड लाइन में भी एरर हो सकता है। तो हमें एज इट इज क्लियर है यहां पे हमने गड़बड़ की है, तो हम इधर सेमी कॉलन लगाएंगे और फिर हम Alt F9 पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आप देख लें एरर रिमूव हो गया। तो इस तरीके से आप आसानी के साथ अपने एरर्स को चेक कर सकते हैं। और आपने देखा कि जब आपने सेमी कॉलन को रिमूव किया तो कौन सा एरर आया, स्टेटमेंट मिसिंग का एरर आया। अब हमने एक नेक्स्ट प्रोग्राम लिखा है जो कि ए प्लस बी कर रहा है। इधर आप देख सकते हैं कि तीन इंटीजर्स लिए हमने, ए की वैल्यू 10 है, बी की 20 है और सी इक्वल टू ए प्लस बी किया, यानी कि अब 30 आंसर में आना चाहिए। अभी हम देखते हैं कि ये हमें क्या आंसर देता है। कंट्रोल F9, उसने कहा जी एक एरर है, तो यहां पर डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड हेयर, ओके। हम इसको इस तरीके से करते हैं, ये जो क्लियर स्क्रीन का फंक्शन है उसको इसके बाद लिखते हैं CLRSER, ठीक है। अब इसको हम Alt F9 करते हैं, तो देखें जी जीरो एरर्स आ गए आपके पास, एंटर, ठीक है जी। अब हमने इसको रन किया तो देखें जी ये 30 आपके पास प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अगर मैंने इसकी आउटपुट को फर्दर हमने बेहतर बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम इधर लिख देते हैं बिलफर्स के लेट सपोज रिजल्ट इज इक्वल टू परसेंटेज डी, ठीक है। तो रिजल्ट इज इक्वल टू और आगे वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, ठीक है। Alt F9 करते हैं कंपाइल, कोई एरर नहीं है। कंट्रोल F9 करते हैं तो देख लें जी रिजल्ट इज इक्वल टू 30 प्रिंट हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपनी आउटपुट को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।